बच्चों पाचन क्रिया की शुरुआत हमारे मुंह से हो जाती है। इसके बारे में ज्यादा समझने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं जिसपे हम देखेंगे कि पाचन क्रिया की शुरुआत कैसे हमारे मुंह में होती है। इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें स्टार्च युक्त कोई पदार्थ, जैसे कि हमने यहाँ पे उबले हुए चावल लिए हैं, एक पेटी डिश और एक आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। सबसे पहले हम उबले हुए चावल में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे कि क्या इसमें स्टार्च है कि नहीं है। कुछ चावल लेंगे, उसको पैटी डिश में डाल देंगे। अब आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे इन चावल के ऊपर डालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इनका कलर बदल गया है। अब चावल का कलर जो है वो ब्लैकिश ब्लू हो गया है, जो कि स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। अब हम अपने मुंह में पाचन क्रिया के प्रभाव को देखने के लिए चावल की कुछ मात्रा लेंगे और उसे अपने मुंह में रखकर 2 से 5 मिनट तक चबाएंगे और देखेंगे कि इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसे आपको 3 से 5 मिनट तक चबाना है। मैंने इस एक्टिविटी को करने के लिए पहले से ही 3 से 4 मिनट तक तैयार पेस्ट कर लिया है। अब इसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ मात्रा को डालेंगे और देखेंगे कि क्या प्रभाव आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कुछ ब्लैक स्पॉट तो हैं, परंतु बहुत अधिक मात्रा में व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि स्टार्च की मात्रा अब इसमें कम हो गई है। बच्चों, जो मुंह में चबाने के बाद हमारे चावलों पर क्या असर हुआ, अब हम इसके बारे में जानते हैं। हमारे मुंह में लार होती है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं जो स्टार्च के साथ अभिक्रिया करके उसे शुगर में बदल देते हैं, और शुगर जो है आयोडीन सॉल्यूशन से अभिक्रिया करके कोई ब्लैक ब्लू रंग नहीं बनाता। इसी प्रकार हमें अपने भोजन को मुंह में काफी देर तक चबाना चाहिए ताकि हमारे मुंह में ही पाचन क्रिया शुरू हो जाए और वह भोजन की हमें पूरी पौष्टिक तत्व मिल सके।